हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी सैमसंग का बटन वाला फ़ोन है यानी कि कीपैड वाला फ़ोन है और दोस्तों वो फ़ोन बिल्कुल आपका वन नहीं होता है तो आप बैटरी को चार्ज में लगा के भी रखते हैं कुछ देर तक फिर भी आपका फ़ोन वन नहीं होता है। तो दोस्तों आइए मैं जानता हूँ सभी सैमसंग के बटन वाले फ़ोन को आप किस प्रकार से आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन वन नहीं हो रहा है एवं चालू नहीं हो रहा है। तो मैं ए टू जेड जानकारी आप लोग को दूंगा आपको क्या क्या करना है अपने फ़ोन के साथ जो आपका फ़ोन चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें शुरू से लास्ट तक मैं आप लोग को ए टू जेड जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से एक चार्जर को अपने फ़ोन में कनेक्ट किया हूँ। तो माइनस प्लस आपको देख लेनी है और बैटरी को इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है प्लस वाला पॉइंट में प्लस का सामने में और माइनस का पॉइंट में माइनस का साइन में सामने में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ चार्ज में लगा के। सबसे पहला ट्रिक दोस्तों आपको ये करना है। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन वन हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तो मैं उसके बाद में आप लोग को अगर आपका फ़ोन वन नहीं होता है तो मैं आप लोग को अगला ट्रिक बताऊँगा आपको करना क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बैटरी में कार्बन अगर जमा हुआ होगा तो आप उसे किसी चीज़ से आप घस ले यानी कार्बन को हटा दे अपने बैटरी से। तो इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों आपको ये भी आप लोग को साफ कर लेना है। तो ये भी आप लोग का ट्रिक है। तो इस प्रकार से आपको बैटरी कनेक्टर को अच्छी तरह से घस दें अगला वाला भाग जो बैटरी में टच होता है। तो ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको बैटरी डाल के फिर से अपने फ़ोन को ऑन करना है। अगर नहीं होता है तब जाके दोस्तों आप अपने फ़ोन को खोलना है। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है यानी कि फ़ोन खोलने का आपका जुगाड़ नहीं है तो आप किसी मोबाइल शॉप पे जाके आप सिर्फ नोट खोल के अपने घर पे ला लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को ट्रिक बताऊँगा कि घर पर लाने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है। अगर आप लोग को पैसा बचाना है तो मेरे ट्रिक को फॉलो कीजिए 100% है कि आपका फ़ोन सैमसंग फ़ोन वन हो जाएंगे यानी कि चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस प्रकार से इस फ़ोन को खोल लिया हूँ वो भी बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे खोल लेने के बाद दोस्तों आप लोग को देखना है पीछे वाला साइड में कहीं वाटर डैमेज तो नहीं हुआ है कहीं इसमें पानी तो नहीं चले गया है जिसके कारण से आपका फ़ोन वन नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक सिम सॉकेट के आगे में एक आईसी है तो उसमें वाटर गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कार्बन जमा हुआ है यानी कि वाटर गया है जिसके कारण से यहाँ पे फॉल्ड हुआ है और उसके आगे में भी एक छोटा सा आईसी है यहाँ पे भी फॉल्ड हुआ है यहाँ पे भी पानी गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी का निशानी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पर साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। अगर आपके पास थिनर है तो थिनर से साफ़ कीजिए अगर आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल से साफ़ कीजिए ब्रश में लगा के। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास पेट्रोल है और मैं इसी पेट्रोल से इस फ़ोन को साफ़ करूंगा। तो आप लोग भी जल्दी से इस फ़ोन को साफ़ कर लीजिए अच्छी तरह से। तो हल्का मात्रा में पेट्रोल लेना है और जहाँ पे भी वाटर डैमेज आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे कार्बन जमा हुआ है यानी डस्ट जमा हुआ है तो वहाँ पे आप लोग को क्लीन कर देना है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो जैसे कि यहाँ पे जेक का सॉकेट पे भी जमा हुआ है कार्बन यानी वाटर डैमेज तो यहाँ पर भी आपको साफ़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मैं जहाँ पर वाटर डैमेज हुआ है वहाँ पर साफ़ कर लेता हूँ अच्छी तरह से और मैंने जेक को भी साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे ख्याल से क्या हुआ है जेक के द्वारा से ही चार्जिंग जेक के द्वारा से ही वाटर डैमेज हुआ है इसी के द्वारा से इसमें पानी घुसा है और हो सकता है दोस्तों यहाँ पे ये जो है हेडफोन का जो सॉकेट है उसके द्वारा भी इसमें पानी जाता है तो हम लोग को पता नहीं चलता है जिसके कारण से दोस्तों आपका फ़ोन डेड हो जाते हैं यानी कि वन नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से साफ़ कर लेने के बाद दोस्तों अगर आपका फ़ोन वन हो जाते हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो इसे भी खोल लेना है आपको। तो चलिए दोस्तों मैं मेन बोर्ड को खोल लेता हूं और इसमें भी देखता हूं कहीं वाटर तो गया तो नहीं है इसमें भी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है इसमें कहीं भी वाटर नहीं गया है यानी कि पानी नहीं गया है।
तो इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्रश मार दीजिए बिना पेट्रोल का। तो इस प्रकार से आप लोग को साफ़ कर लेना है जैसे मैंने कर रहा हूँ। तो और सॉकेट को भी हल्का सा ब्रश मार देना है। तो इस प्रकार से साफ़ सुथरा करने के बाद दोस्तों आप लोग को अगर बैटरी लगाने के बाद दूसरी बैटरी लगाने के बाद दोस्तों अगर आपका फ़ोन वन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है दोस्तों तो आप चार्जिंग जैक को भी बदल के देख लीजिए एक बार। अगर आप लोग को बदलना नहीं आता है तो मैं आप लोग को मैं स्किप कर देता हूँ, अगला पॉइंट बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले का जो पत्ता है इसमें भी वाटर गया है और वाटर डैमेज हो चुका है, तो इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक पॉइंट इसमें कटा हुआ लग रहा है। तो डिस्प्ले एक बार दोस्तों साफ़ करके देख लीजिए, अगर इससे अगर आपका फ़ोन वन हो जाता है तो अच्छी बात है साफ़ करने के बाद, अगर नहीं होता है वन तो आपको डिस्प्ले खोल के फिर से दोबारा इसमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग को घरेलू नुस्खा आप लोग को आजमाना है, साफ़ करके देख लेना है अच्छी तरह से डिस्प्ले का पत्ता को। तो इस तरह से दोस्तों मैंने साफ़ कर लिए हैं और आप लोग भी साफ़ कर लीजिए। और इसका कीपैड है उसे भी हल्का ब्रश मार सकते हैं आप लोग अगर वाटर डैमेज है तो। तो दोस्तों मैं बार बार इसलिए साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वाटर गया है। तो अच्छे से साफ़ कीजिएगा तो आपका फ़ोन 100% है कि वन हो जाएंगे। तो दोस्तों अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, कहीं इसमें पेट्रोल तो कहीं लगा हुआ तो नहीं है, अच्छी तरह से पोंछ लीजिए सूखे कपड़े से या तो हाथ से पोंछ लीजिए ताकि फिर से आपका फ़ोन डेड ना हो जाए। तो उसे हल्का सा सूखने दीजिए कुछ देर के लिए, तो आप फ़ोन को हिलाइए आपका फ़ोन सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक पॉइंट इसमें कटा हुआ लग रहा है मेरे को। तो दोस्तों लग रहा है तो इसे मैं पहले वन करके देखूँगा, उसके बाद मैं इसे इस डिस्प्ले को फिर से रिप्लेस करूँगा, यानी कि खोल के इस डिस्प्ले को जड़ से फिर से लगाऊँगा प्रिंट बना के। तो अब दोस्तों मैं देखता हूँ इस फ़ोन को वन करके बैटरी इसमें डाल के कि फ़ोन ये वन होता है कि नहीं होता है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग मेरे पास बैटरी यहाँ पर कहाँ गया बैटरी मेरा, तो दोस्तों मेरा बैटरी यहाँ पे है तो मैं बैटरी को लगा के वन करता हूँ और देखता हूँ कि ये फ़ोन वन होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों कई बार अक्सर ऐसे होते हैं कि बटन इसका रेड वाला बटन जो पावर वन का बटन है उसमें भी कार्बन जमने के कारण से आपका फ़ोन नहीं वन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों मेरा फ़ोन बिल्कुल वन हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग घर पर आजमाइए, कोई सा भी सैमसंग का फ़ोन है तो इस प्रकार से एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, 100% है कि आपका फ़ोन चालू हो जाएंगे यानी वन हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, दीजिए आज्ञा, जय हिंद जय भारत।